सो हेलो टीचर्स, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रून टेक फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। यार अगर आप टीचर हो तो कभी ना कभी आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगी, और जो टूल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। यार आप टीचर हो और कभी ना कभी आप ऐसे पीडीएफ जरूर बनाते होंगे और शेयर करते होंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ, और आपको कहीं ना कहीं डर जरूर होता होगा यार आपके पीडीएफ की चीजें जो कोई कंटेंट जो है कोई कॉपी ना कर ले। तो काश कोई ऐसा टूल होता है यार कि अगर मैं किसी पीडीएफ कोई अपना पीडीएफ मैं किसी को भेजूं, वो बंदा सेलेक्ट तो कर ले बट उस चीजों को कॉपी ना कर पाए, आपके पीडीएफ में जो भी कंटेंट लिखा है उसे कंटेंट को कॉपी ना कर पाए, तो यार कितना अच्छा होता। तो मैं आपका यही परेशानी को दूर करने के लिए वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यह पीडीएफ दिख रहा है, और इस पीडीएफ की चीजों को अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और राइट क्लिक कर रहा हूं तो यहां कॉपी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। और अगर आप देख सकते हो इस पीडीएफ को मैंने ओपन किया तो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है कि भाई सिक्योरिटी सेटिंग, ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट हैज एन ओपन पासवर्ड और ए मॉडिफाइड पासवर्ड लगा हुआ है, यू कैन नॉट एडिट और कॉपी दिस कंटेंट। मतलब आपका एडोब एक्रोबैट जो है वो भी नहीं पकड़ पा रहा है कि इसमें पासवर्ड लगा है कि क्या लगा है, बस ये कह रहा है कि यार इसकी चीजों को आप ना कॉपी कर सकते हो है ना ही एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है और कहीं आपको ये जरूर काम आएगा। तो मैं ये बताने वाला हूं किस तरीके से पीडीएफ के जो कंटेंट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। दो तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक तो आप पीडीएफ में पासवर्ड लगा दो, और मान लो पासवर्ड आप सामने वाले को बता दिए, सामने वाला पासवर्ड से ओपन कर लिया, उसके बाद भी तो चीजें कंटेंट को कॉपी कर सकता है, सेलेक्ट करके चीजों को कॉपी करके नया ही पीडीएफ बना ले है ना, फिर किसी को भेज दे। इन सब चीजों से बचने के लिए आज मैं जो टूल लेकर आया हूं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो लेट नहीं करते हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मान लीजिए आपने किसी का पीडीएफ रखा, मैं दोनों चीज बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पीडीएफ को बचा सकते हैं ताकि सामने वाला कॉपी ना कर पाए, और मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ आया जिसकी कंटेंट को आप कॉपी करना चाहते हैं बट आप कॉपी राइट क्लिक कर रहे हैं तो कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे किया जाए, वो दोनों चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूं। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है ए पीडीएफ और पहले वाली वेबसाइट को ओपन करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहां पर देखिएगा ए पीडीएफ पासवर्ड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है और इसके सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप पे। जस्ट क्लिक करके 3 पॉइंट बहुत कम उसका है एमबी का डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने लैपटॉप में आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ऐसा फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे दिखेगा, इसको जस्ट क्लिक करके ओपन करो और यहां पे मांग रहा होगा हैव अ की, है ना। तो अगर आप परचेस किए होते तो आपके पास जरूर की होता, बट कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जस्ट दिखावा है, आपको बस ट्राई पे क्लिक करना है और आप अपना पूरा काम कर सकते हो। काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं, सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी कर सकते हो, बैच ऑफ काफी सारे पीडीएफ तो एक साथ सबको लॉक कर सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी कर सकते हो, बट मुझे पास एक पीडीएफ है उसी के साथ करूंगा। यहाँ पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे करता हूँ। तो ये जो पीडीएफ है ये एनक्रिप्टेड है पहले से, मतलब इसके सारे कंटेंट जो है मैं कॉपी नहीं कर पा रहा था, बट मैं चाहता हूं कि अब सारे कंटेंट को मैं कॉपी कर पाऊं तो कैसे करूं। तो मैं इस पीडीएफ को जस्ट ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूं और आप देख सकते हो इस इस पीडीएफ में ये सारी चीजों पे रॉन्ग 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 बना हुआ है। मतलब ना मैं डॉक्यूमेंट असेंबली कर सकता हूं, ना उस पर कोई फील्ड को एडिट कर सकता हूं, ना कमेंट कर सकता हूं, ना डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकता हूं, ना कॉपी कंटेंट को कॉपी कर सकता हूं है ना एडिट कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यार मैं ये सारी कॉपी तो कर पाऊं, सारी चीजें कर पाऊं, तो मैं इसके लिए देखो मैंने जैसे इसको डाला तो यहाँ पे आ रहा है यू ये टिक, इस टिक को आपको हटा देना है और जैसे आप टिक हटाओगे ये सारे सारे टिक हो जाएंगे। अब ये सारी चीजें आप इस पीडीएफ में कर सकते हो। उसके बाद आपको दो ऑप्शन आता है सेव एस करने का, सेव एस करोगे तो आपका इस फोल्डर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसी का नया कॉपी डुप्लीकेट बन जाएगा, उसमें आपका ये सारी चीजें रहेंगी, बट मैं इसी को सेव करूंगा ताकि यही फोल्डर कन्वर्ट हो जाए एंड फिनिश। अब मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूं, देखता हूं इसके अंदर की चीजों को मैं कॉपी कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ओके, अब ये मैं पार्ट को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया तो यहां पे कॉपी का ऑप्शन आने लगा, मतलब अब मैं इस पीडीएफ के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये पीडीएफ पहले एनक्रिप्टेड था, अब ये नहीं रहा, ठीक है, ये बड़ा अच्छा चीज था यार। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोल्डर भी बना होगा, इसको आप बाद में डिलीट कर सकते। नाउ मान लीजिए आपके पास ऐसा फोल्डर है
ठीक है, आप उसको क्या करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी मान लो आपने नॉर्मल पीडीएफ बना लो, जिस तरीके से पीडीएफ बनाते हैं नॉर्मली पीडीएफ बना लो। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पीडीएफ है जो मैं बनाया हूं अभी, इसके कंटेंट को अभी देखो मैं कॉपी कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यार मैं जिसको भेजूं वो इसके कंटेंट को कॉपी ना कर पाए, तो क्या करें। तो आप अपने पीडीएफ को यहां एक जगह रख लो, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है आपको, जस्ट ट्राई पे जाना है और अपना ये जो पीडीएफ है इसको नेक्स्ट इस पीडीएफ को ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर देना है। ये कर दिया। अब मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं, उसके बाद आपको यहां पे सिक्योरिटी लेवल में हाई 128 बिट RC4 इसको सेलेक्ट कर लेना, फिर यहां पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे देखो अभी सारे ऑप्शन क्लोज हो गए, मतलब अगर मैं सेव कर दूं तो इस पीडीएफ में ना प्रिंट, इस पीडीएफ को ना ही आप ना प्रिंट कर पाओगे, है ना, ना इसके कंटेंट को कॉपी कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ऑप्शन ही नहीं आएगा प्रिंट प्रिंट करने का। तो बड़ा अच्छा है, अगर आप चाहते हो कि यार सामने वाला प्रिंट कर पाए और बाकी कुछ ना कर पाए, तो यहां से आप इसको ऑप्शन दे दो कि सामने वाला प्रिंट अलाउ को मैंने ऑप्शन दे दिया कि हाँ सामने वाला प्रिंट कर पाएगा और वो भी हाई रेजोल्यूशन में। अगर आप चाहते हो क्या वो कुछ डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर पाए, तो यहां से आप वो भी ऑप्शन परमिशन दे सकते हो। अगर आप चाहते हो सामने वाला कॉपी कर ले कंटेंट आपका, तो इसको क्लिक करो तो सामने वाला कंटेंट कॉपी भी कर सकता है, या अनक्लिक कर दोगे तो नहीं कर। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये जिस जो पीडीएफ जिसको भी भेजू ना वो बंदा प्रिंट कर पाए, ना कॉपी कर पाए, ना कुछ कर पाए इस डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, ठीक है। और मैं चाहता हूं अगर मैं चाहूं तो यहाँ पासवर्ड भी प्रोवाइड कर सकता हूं, ताकि डॉक्यूमेंट जब ओपन होगा तो विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड, ठीक है। बट पासवर्ड अभी नहीं लगा रहा हूं, अभी मैं सारी चीजों को क्रॉस करके यहां जस्ट टिक किया, अभी मैं सेव कर दे रहा हूं इसको, ये फिनिश सेव हो गया। अभी मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूं, ठीक है, पीडीएफ ओपन हो गया है। अब मैं कॉपी को कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कॉपी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हो आपका जो पीडीएफ है वो लॉक है, क्योंकि देखो ये पीडीएफ में यहाँ लॉक का ऑप्शन बन के आ रहा है। क्लिक किया तो देखिए आ रहा है यू कैन नॉट एडिट प्रिंट और कॉपी दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पीडीएफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला चीजों को कॉपी ना कर पाए। बट अगर सामने वाले को इस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा या इस चीज के बारे में पता होगा कि हम इस को क्रैक भी कर सकते हैं, तो वो जरूर कर पाएगा। देखो यार आज का ऑनलाइन जमाना है, आप ऑनलाइन चीजों को कितना भी प्रोटेक्ट कर लें उसका कोई ना कोई तोड़ मिल ही जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों चीज बता दिया। अगर आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ है जिसके कंटेंट को आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको को मतलब उसके एनक्रिप्शन हटा के आप कॉपी कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ है जिसमें आप चाहते हो सामने वाला कॉपी वोपी ना कर पाए, चीजों को यूज ना कर पाए, तो आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ये दोनों मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। देखना जिसको आप भेज रहे हो वो भी मेरी वीडियो ना देख रहा हो, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही कंटेंट के लिए कॉपी करके जरूर कमेंट करके जरूर बताएं यार आप लोग। हमारा चैनल एज अ टीचर्स को सपोर्ट करता है, नॉर्मल टीचर से एक टेक टीचर बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो और भी कोई कंटेंट चाहिए टेक्निकल से रिलेटेड एज अ टीचर, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।